हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं आलू मटर बीन्स की एकदम से मज़ेदार रेसिपी। आलू बीन्स मटर की ये रेसिपी एकदम से लाजवाब बनती है और खाने में भी एकदम से लाजवाब लगती है। बनाना शुरू करते हैं। 250 ग्राम बीन्स, 250 ग्राम आलू छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए और हाफ कप मटर। आलू और बीन्स को पहले फ्राई करेंगे। बीन्स आलू को हल्का फ्राई करने के लिए 2 बड़ा चम्मच तेल लेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें डालेंगे आलू और साथ ही बीन्स। दोनों चीजों को एक साथ ही हल्का फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में चलाते हुए आलू बीन्स को फ्राई करेंगे। आलू बीन्स अच्छे से फ्राई हो गई। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे आलू बीन्स को निकाल लिए। दोबारा फिर से वही कढ़ाई लिए, इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज के प्याज बारीक चॉप किए हुए। प्याज का कलर चेंज होने से भूनेंगे और इसके साथ ही डालेंगे 1 पिंच हींग। हल्का भूनेंगे। प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून गोलकी पाउडर। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही डालेंगे 2 बारीक चॉप किए हुए टमाटर। अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर को कवर करके सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। मसाले को बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो मसाले जलने लगेगी। टमाटर को हल्का इस तरह से दबाते रहेंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मसाले मेरे अच्छे से पक गए, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए बीन्स और आलू और साथ ही मटर भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले में। ये देखिए, मसाले में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इस तरह के बीन्स आलू मटर की सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसे आप रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मसाले में 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लिए। इस तरह के बीन्स आलू मटर की सब्जी एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। यकीन मानिए दोस्तों, जब इस तरह के आलू बीन्स मटर की सब्जी बनती है तो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, सभी को बहुत ही पसंद आती है। आज से पहले इतनी स्वादिष्ट आलू बीन्स की सब्जी नहीं खाए होंगे, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप के करीब पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे, कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी मेरे बहुत अच्छे से पक गई। सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसके ऊपर से डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी के पत्ते। एकदम से मजेदार लाजवाब आलू बीन्स मटर की सब्जी मेरे बनके तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे इसी तरह के मजेदार रेसिपी के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे सबसे पहले। थैंक यू।